विश्वास मत के बाद अब नीतीश कुमार करेंगे कैबिनेट का विस्तार, सीएम आवास पर चल रही है बैठक। शपथ ग्रहण का समय 3 बजे से बदलकर किया गया शाम 5 बजे, कैबिनेट में अधिकतम 36 मंत्रियों के शामिल किए जाने की उम्मीद। सूत्रों के मुताबिक विधानसभा के स्पीकर के पद में बदलाव नहीं, जेडीयू के 19 मंत्री हो सकते हैं कैबिनेट में शामिल। बीजेपी और सहयोगियों के 16 मंत्रियों के शामिल होने की संभावना, नंदकिशोर यादव, प्रेम कुमार, मंगल पांडे, रजनीश कुमार, ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ले सकते हैं शपथ। मांझी भी हो सकते हैं कैबिनेट में शामिल, पिछली बार घोटाले के आरोप में हुए थे बर्खास्त, एलजेपी और आरएलएसपी के भी एक एक मंत्री आ सकते हैं कैबिनेट में। 3 एमएलसी पद खाली होने के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा के एमएलसी के तौर पर सदन में एंट्री, तीनों अब तक किसी भी सदन में सदस्य नहीं। एसपी को बड़े झटके के साथ यूपी में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की एंट्री, लखनऊ में कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंचे अमित शाह, सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ओम माथुर के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक। छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, बस्तर में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। कश्मीर में महबूबा मुफ्ती का बयान, कहा धारा 35 से हटी तो घाटी में तिरंगा थामने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो मैं ये बताने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि उस झंडे को कांधा देने वाला कोई नहीं होगा। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने जम्मू कश्मीर के रजौरी में नियंत्रण रेखा किया दौरा, सैनिकों को दिए तैयार रहने के निर्देश। पाकिस्तान से टेरर फंडिंग पर एनआईए ने गृह मंत्रालय को दी सलाह, उरी और पुंछ से होने वाले क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को बंद करने की सिफारिश की। सेना में 52,000 जवानों और अफसरों की कमी, सरकार ने संसद में दी लिखित जानकारी। भारतीय वायुसेना का आकाश मिसाइल 30% टेस्ट में फेल, नहीं हो पा रही चीनी बॉर्डर पर तैनाती, सीएजी की रिपोर्ट से खुलासा। जम्मू कश्मीर के पट्टन में सेना ने आईडी किया डिफ्यूज, बम निरोधक दस्ते की निगरानी में किया गया नष्ट। राजस्थान के जालौर में बाढ़ से बिगड़े हालात, 128 गांव पानी में डूबे। झालावाड़ जिले में तेज बरसात होने के कारण भरा काली सिंध डैम, खोले गए 6 गेट, डैम से छोड़ा गया 65,000 क्यूसेक पानी, शहर की सड़कें बनी दरिया। यूपी के संभल में बिजनौर डैम से बाढ़ जैसे हालात, खोले गए बैराज के गेट। बाढ़ पर नजर रखने के लिए प्रशासन ने बनाई 6 चौकियां, 18 लेखपालों पर निगरानी की जिम्मेदारी। गुजरात के नवसारी में लगातार बारिश के बाद 71 गांवों को अलर्ट पर रखा गया, लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर शिफ्ट करने का काम जारी। गुजरात के सातलपुर के नवा गांव में 30 परिवारों का एयरफोर्स ने किया रेस्क्यू, 4 दिनों से घरों में थे फंसे। भारतीय वायुसेना के एयर मार्शल लाल के धीर ने गुजरात में बाढ़ के हालात का लिया जायजा, एयरफोर्स के रेस्क्यू ऑपरेशन पर की चर्चा। राजस्थान के झालावाड़ में भारी बारिश से रेलवे ट्रैक डूबा, रेल सेवा हुई प्रभावित। बाड़मेर के लूनी नदी में फंस गए 8 ऊंट, लगातार बारिश की वजह से जलस्तर बढ़ने से फंसे। नासिक में भारी बारिश की वजह से नदी में गिरी बस, स्थानीय लोगों ने ड्राइवर को बचाया। एमपी के आगर में मंदिर और दरगाह पानी में डूबे, भारी बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर के घाटल में बाढ़ में फंसे लोगों को एयरफोर्स ने बचाया, कई दिनों से फंसे थे लोग, आज भी रेस्क्यू ऑपरेशन। बर्दवान में भारी बारिश के बाद कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात, एनडीआरएफ की टीम ने संभाला मोर्चा। असम के बारपेटा में नदियों के किनारे होने वाले कटाव से गांव वाले परेशान, बेकी नदी में सबसे ज्यादा खतरा। राजस्थान के पोखरण में बारिश से लोगों को मिली राहत, तालाबों में पानी भरने से पानी की किल्लत होगी दूर। बाड़मेर में बारिश ने जमकर मचाई तबाही, राजकीय माध्यमिक विद्यालय के 700 छात्रों के भविष्य पर मंडराया बादल, एक हफ्ते से पढ़ाई बंद। जोधपुर में जवाई बांध के फाटक खोलने के बाद बाढ़ की चपेट में कई गांव, बालिका आवासीय विद्यालय को खाली करवाया गया। यूपी के बलरामपुर में आजादी के बाद एक अदद पुल के लिए तरस रहे हैं लोग, जान जोखिम में डालकर नदी को करना पड़ रहा है पार। महाराष्ट्र के अमरावती में निर्माणाधीन 2 मंजिला इमारत का गिरा स्लैब, 4 मजदूर जख्मी। पंजाब के होशियारपुर में अस्पताल की मालकिन डॉक्टर मंजू शर्मा का मिला शव, 35 साल से चला रही थी अस्पताल।
70 साल की मंजू शर्मा अकेले रह रही थी घर में, सामाजिक कार्यों में थी बेहद सक्रिय। गुड़गांव में फर्जी एनओसी बना, तकरीबन 20 गाड़ियां बेची, सुशांत लोक की कंपनी आरआर फ्लीट से की गई 32 लाख की धोखाधड़ी। गाड़ी मालिक की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया मामला, 3 आरोपियों के खिलाफ चल रही है जांच। मुंबई में 12 साल के बच्चे को तेंदुए ने किया घायल, गोरेगांव इलाके की घटना। सीएजी की रिपोर्ट के बाद रेलवे में खाने पीने को लेकर जांच तेज, बगलसराय जंक्शन पर रेल अधिकारियों ने मारा छापा। नीतीश की नई पारी के बाद भी बिहार में अपराधियों के बुलंद हौसले, हाजीपुर में फाइनेंस कर्मचारी की गोली मारकर हत्या। अपराधियों ने फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी दीपक से लूट लिए 1 लाख रुपए, लूटपाट के बाद मारी गोली। बिहार के सहरसा में पुलिस के साथ बदमाशों की मुठभेड़, 1 अपराधी और पुलिसकर्मी घायल। पुलिस ने घायल अपराधी के पास से जब्त किया पिस्टल, 1 देसी कट्टा, कई कारतूस और लूटी गई रकम, लैपटॉप सहित मोबाइल बरामद। रतलाम में किसान आंदोलन के आरोपी कांग्रेस के नेता डीपी धाकड़ ने कोर्ट में किया सरेंडर, कोर्ट ने 31 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजा। कोकराझार में एनडीएफबी का 1 आतंकी गिरफ्तार, पिस्टल मैगजीन के साथ 3 गोलियां जब्त। कोलकाता में हथियार बनाने वाली मशीन के साथ भारी मात्रा में हथियार बरामद, 4 लोग गिरफ्तार। हरियाणा के झज्जर में गन लाइसेंस के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रही है महिला शूटर, जकार्ता में होने वाले यूथ एशियन गेम्स में नेशनल इंडिया राइफल टीम में हुआ है सिलेक्शन। लखीमपुर खीरी में दिन के उजाले में ही होगा खनन का काम, बीजेपी विधायक को मिली धमकी के बाद प्रशासन ने लिया फैसला। ओडिशा के दित्यागढ़ में बीजेपी नेता की हत्या मामले में 4 को उम्र कैद, 2013 में बदमाशों ने वारदात को दिया था अंजाम। यूपी के बहराइच में स्थानीय बीजेपी नेता को दबंगों ने मारी गोली, लखनऊ किया गया रेफर। यूपी पुलिस अब हफ्ते में 1 दिन खादी में आएगी नजर, सीएम दफ्तर से यूपी पुलिस को भेजा गया सुझाव। दिल्ली में दिव्यांग बच्चों और उनके अभिभावकों ने जीएसटी के खिलाफ किया प्रदर्शन, जरूरत की कई उपकरणों पर जीएसटी लगाने से खफा। नासिक में 1 हफ्ते में 2 गुना बढ़े प्याज के दाम, गुजरात और राजस्थान में हो रही बारिश का हुआ असर। सिरोही के गौशाला में तेज बारिश से करीब 200 गायों की मौत, मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने हालात का लिया जायजा, डॉक्टरों की टीम मौके पर तैनात। अलीगढ़ में 3रे दिन भी शिक्षा मित्रों ने किया प्रदर्शन, तेज गर्मी और उमस की वजह से कई महिला शिक्षा मित्र हुई बेहोश। मुंबई से जोधपुर पहुंची जेट एयरवेज की विमान के पक्षी से टकराने से निकली चिंगारी, पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए कराई लैंडिंग, 107 मुसाफिर सही सलामत। दारुल उलूम देवबंद ने छात्रों के लिए एंड्रॉयड फोन बैन करने की मांग की, दारुल उलूम के मुताबिक इसे छात्रों पर पड़ रहा है बुरा असर। महाराष्ट्र के कोला में फिल्म हिंदू सरकार के खिलाफ सिनेमाघरों पर धमके, कांग्रेस के कार्यकर्ता पहला शो करवाया बंद। मथुरा की छाता कोतवाली में 2 पुलिसकर्मी आपस से भिड़े, दोनों के बीच जमकर हुई मारपीट और गाली गलौज, पिता ने 16 साल की बेटी की हत्या की आरोपी पिता गिरफ्तार, कत्ल की वजहों को तलाशने में जुटी पुलिस। बठिंडा में पति ने पत्नी प्रेमी को मारी गोली, कातिल पति ने पुलिस को बुलाकर किया सरेंडर। दिल्ली के गफार मार्केट में आग, दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर। बठिंडा में कर्ज की वजह से किसान ने मौत को गले लगाया, 2 लाख के बैंक कर्ज से था परेशान। संगरूर में एक दुकानदार ने जहर खाकर की आत्महत्या, सुसाइड नोट के जरिए मामले की जांच में जुटी पुलिस। पटियाला में महिला प्रिंसिपल पर 12वीं के छात्र से नाजायज रिश्ते बनाने का मामला आया सामने, शिक्षा विभाग ने कार्रवाई का दिया भरोसा। सूरत में 5वीं मंजिल की बालकनी से 15 साल की बच्ची गिरी, पिता को गुटखा फेंकने के दौरान हुआ हादसा। यूपी के मऊ में नाबालिग दलित लड़की से घर में घुसकर रेप, आरोपी गिरफ्तार। वासन के रहने वाले प्रोफेसर ने पुणे में की खुदकुशी, सुसाइड नोट में कॉलेज मैनेजमेंट के 2 लोगों पर प्रताड़ित करने का लगाया आरोप। जोधपुर में छोटी सी गलती से स्कूटी चालक घायल, ट्रक ने मारी टक्कर, सीसीटीवी में कैद पूरा हादसा। एमपी के श्योपुर में 2 फर्जी पत्रकार गिरफ्तार, 4 फरार, 100 से ज्यादा ठगी मामले में पुलिस कर रही है जांच। दिल्ली में 40,000 रुपए के फर्जी करेंसी नोट मामले में एक गिरफ्तार, पुलिस को उसके साथियों की तलाश। दिल्ली के कृष्णानगर में खादी ग्राम उद्योग के 6 लाख कपड़े और कैश लेकर चोर फरार।
इम्फाल में छात्रों ने तेज किया प्रदर्शन, पुलिस पर की पत्थरबाजी, पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। दिल्ली में महिला चोरनी गैंग से खौफ में कारोबारी, डाबरी इलाके में कपड़े के शोरूम पर धावा बोलकर 25,000 रुपए कैश ले उड़ा चोरनी गैंग। मुंबई पुणे हाईवे से करीब 3 करोड़ की पुरानी करेंसी जब्त, 3 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज को 1 करोड़ रुपए और प्लॉट देगी सरकार, सीएम चंद्रशेखर राव ने मुलाकात के बाद की घोषणा। विश्व कप में शानदार प्रदर्शन के बाद ताज नगरी आगरा अपने घर पहुंची महिला खिलाड़ी दीप्ति शर्मा और पूनम यादव, रोड शो के साथ लोगों ने किया शानदार स्वागत। दिसंबर के आखिर तक आएगी नई टेलीकॉम पॉलिसी का ड्राफ्ट, सरकार ने दी जानकारी। स्वच्छ भारत, कृषि कल्याण और शिक्षा समेत दूसरे सेस के जरिए सरकार को मिले 2,35,000 करोड़, सामने आया 2016-17 का आंकड़ा। सीएजी की रिपोर्ट में 12 बैंकों के मुनाफे पर उठाए गए सवाल, कहा बैंकों ने फर्जी मुनाफा दिखाया। मोबाइल के जरिए आपत्तिजनक वीडियो अपलोड करने वालों पर सरकार की नजर, टारगेट पर व्हाट्सएप के जरिए शेयर करने वाले। आयकर विभाग के 26 प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर्स की पोस्ट में से 23 खाली, सरकार ने संसद में दी जानकारी। भ्रष्टाचार मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद नवाज शरीफ ने पीएम पद से दिया इस्तीफा, भाई शाहबाज संभालेंगे कमान। ढाका में शिवलिंग चोरी मामले में एक शख्स गिरफ्तार, मूर्ति को जल्द बरामद करने का पुलिस ने किया दावा। श्रीलंका के जाफना में 66 भारतीय मछुआरों की रिहाई की तस्वीर आई सामने, कोर्ट के आदेश के बाद हुई रिहाई। न्यूयॉर्क में डोनाल्ड ट्रंप के भाषण पर 2 गुट आए आमने सामने, गैरकानूनी शरणार्थियों पर ट्रंप के बयान से 1 गुट नाराज। उत्तर कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल का किया परीक्षण, जापान के लिए महासागर में गिरी मिसाइल, जापान के पीएम ने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बुलाई बैठक।